नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भविष्य में 2024 के चुनावों में भी प्रदेश की जनता कांग्रेस को साफ कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मोहर लगाएगी। हरियाणा में भविष्य के चुनावों में भी कमल खिलेगा। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाजपा जजपा सरकार के कार्यकाल में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचा रहा है। धरातल पर जमकर विकास कार्य हो रहे हैं। आज बिना पर्चे और खर्ची की नौकरियां लग रही हैं। मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ की सूबेदार कॉलोनी में 24 लाख की लागत से बनने वाली RMC की रोड के कार्य का शुभारंभ किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि नगर निगम के दो नए वार्डों 43 और 44 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जल्द बनकर तैयार होगी। इस सड़क के बनने से पहले ही करीब 10 लाख की लागत से सीवर लाइन डाली गई है। वल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता विकास ओल्यान की रिपोर्ट। सूबेदार रोड का उसका उद्घाटन किया है, जो सीवर लाइन और सड़क की सबसे बड़ी हालत थी और सबसे ज्यादा हजारों आदमी रोड से निकल रहे हैं और आने वाले समय जल्दी जल्दी वार्ड नंबर 43 वार्ड नंबर 44 के लोगों को लाभ मिलेगा। ये यहाँ की लाइफ लाइन है, यह सीवर दिलाई है, सड़क बना रहे हैं, ऐसे पानी का जितने पानी जितने पानी देंगे, जिसका देखा जा रहा है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी का जो स्तर है बल्लभगढ़ का उसका स्तर गिरते जा रहा, हम स्तर बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा जी, हम आने वाले समय में 15 मंडली पानी देंगे और देंगे 20 दिन बाद। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।